सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांत चैनल को और बेल आइकन कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हेलो दोस्तों टेक्नो विक्रांत में आप सभी का स्वागत है फाइनली रियलमी नार्जो थर्टी प्रो के अंदर रियलमी यू आई थ्री पॉइंट जीरो का एफ डॉट जीरो थ्री का ऑफिशियल वर्जन रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को काफी सारे यूजर ने अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट भी कर लिए हैं मैं भी इस अपडेट को पांच से छह दिनों से यूज कर रहा हूँ और इस अपडेट का जो टेस्टिंग है काफी अच्छे तरीके से कम्प्लीट हो चुका है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है कौन से बक्स देखने को मिलता है और क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिलता है सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर फीचर्स और बग्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप इसके अबाउट डिवाइस चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलता है और Realme Narzo 30 Pro का मॉडल नंबर RMX2117 देखने को मिलता है बात की जाए इस अपडेट के बेसिक इंफॉर्मेशन की तो यहाँ पर आपको F.03 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है 4.61 जीबी का देखने को मिलता है जिन यूजर को फर्स्ट टाइम ये अपडेट देखने को मिलेगा और ये आपको Realme UI 3.0 के अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाता है बात की जाए इस अपडेट के बाद इसकी सिक्योरिटी की तो यहाँ पर आपको 5th जुलाई 2022 के साथ करंट मंथ का लेटेस्ट एनहांस एंड्राइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे बक्स वगैरह देखने को मिलता था उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस और उसके ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है जिससे कि और भी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ साथ ही दोस्तों जो एप्स ओपनिंग क्लोजिंग है उसको भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज करके बेटर कर दिया है जिससे कि आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ एप्स ओपनिंग क्लोजिंग देखने को मिलता है साथ ही साथ कोई कोई यूजर को कभी कभी जो है लेगिंग इशू देखने को मिलता था तो उसको भी थोड़ा रिड्यूस कर दिया है लेकिन दोस्तों अभी भी किसी किसी यूजर को लेगिंग देखने को लेगिंग इशू देखने मिलता है मेरे को दोस्तों यहाँ पर इस अपडेट के बाद अभी तक कोई भी लेगिंग इशू देखने को नहीं मिला है इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज या न्यू फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में लॉक स्क्रीन सेक्शन के पास क्लॉक स्टाइल का यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको दो टाइप्स के हॉरिजेंटल और वर्टिकल का क्लॉक स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसे आप अप्लाई करेंगे तो आप अगर लॉक स्क्रीन करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है और अगर दोस्तों ये फीचर्स आपके में नहीं है तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्लॉक एप्स का एपीके फाइल शेयर कर दिया है आप वहां पर जाकर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा तो आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे साइड सिस्टम सेटिंग के अंदर गेस्टर एंड मोशन के अंदर स्क्रीन ऑफ गेस्टर में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहले आपको म्यूजिक कंट्रोल तक का ही स्क्रीन ऑफ गेस्टर देखने को मिलता था लेकिन यहाँ पर नीचे देखेंगे तो मोर के ऑप्शन में यहाँ पर काफी सारे फंक्शन के थ्रू आप स्क्रीन ऑफ गेस्टर को यूज कर सकते हैं यहाँ पर देखेंगे अगर आप स्क्रीन ऑफ में एस एप में ड्राइंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर ओपन हो जाता है लेकिन दोस्तों आप ड्राइंग करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन मांगता है जैसे ही लॉक स्क्रीन ओपन करेंगे तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर एप से देखने को मिल जाएगा उसी के साथ यहाँ पर और भी शॉर्टकट या स्क्रीन ऑफ गेस्टर सेट कर सकते हैं जो कि आप अपने यूज के अनुसार यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं तो ये सारे स्क्रीन ऑफ गेस्टर फीचर्स जो हैं इस अपडेट के साथ देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे साइड सिस्टम सेटिंग के अंदर सिस्टम नेविगेशन के अंदर गेस्टर मोड में स्विच टू प्रीवियस एप का अगर दोस्तों आप गेस्टर मोड यूज करते हैं और अगर आप लेफ्ट या राइट right स्वेप करके कोई से भी फंक्शन से बेग जाते हैं लेकिन दोस्तों उस लेफ्ट या राइट right को होल्ड करके रखते हैं तो आपको यहाँ पर एप्स स्विचिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आई I मीन mean जो प्रीवियस एप्स हैं उसमें आप स्विच हो सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे मैं जैसे ही लेफ्ट या राइट right को हल्का सा स्वेप करके होल्ड रखता हूँ तो ये ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है एक एप्स से, से दूसरे एप्स में तो यह फीचर्स भी आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की तो वो आपको दोस्तों पावर मेनू के अंदर एट कंट्रोल या कैट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें नॉर्मली आपको रियलमी लिंक का एप्स देखने को मिलता है अगर आपके फोन में रियलमी लिंक एप्स इंस्टॉल रहेगा तभी लेकिन दोस्तों आप एंड्रॉइड वर्जन में जाकर क्लॉक को अगर आप ट्वेल्व में रखते हैं दोनों सुइयों को तो उसके बाद आपको यहाँ पर पावर मेनू में केट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप केट कंट्रोल को कुछ इस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से पावर मेनू का ऑप्शन या पावर मेनू न्यू देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जाए फीचर्स मिसिंग या बक्स की तो यहाँ पर आपको सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में सर्च बार एट बॉटम का फीचर्स देखने को मिलता था जो कि Realme यू आई थ्री पॉइंट जीरो के अपडेट के बाद उसको रिमूव कर दिया है और इस अपडेट के बाद भी अभी तक देखने को नहीं मिला है इसी के साथ सेटिंग के अंदर सिस्टम सेटिंग में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में यहाँ पर सिक्सटी एफ पी एस फ्रेम रेट देखने को मिलता था जो कि रियल मी यू आई टू पॉइंट जीरो में अभी तक देखने को मिलता है लेकिन रियल मी यू आई थ्री पॉइंट जीरो के अपडेट के बाद यहाँ पर सिक्सटी एपीएस को रिमूव कर दिया है जो की इस अपडेट के बाद भी देखने को नहीं मिलता है इसी के साथ बक्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर सिस्टम सेटिंग में वन हैंडेड मोड अगर दोस्तों आप वर्चुअल बटन नेविगेशन बटन में वन हैडेड मोड ऑन करते हैं तो वो ऑन नहीं होता है और अगर आप फुल स्क्रीन गेस्टर मोड यूज करते हैं तो आपको प्रॉपरली ऑन देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों उसके साथ में आपको बक्स भी देखने को मिलता है जैसे ही आप नीचे साइड स्वेप करके 100 मोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे में जो भी फंक्शन या फीचर्स रहता है वो यहाँ पर शो नहीं होता है यहाँ पर देखेंगे सिस्टम सेटिंग में आपको गेट रिकमेंडेशन तक ही देखने को मिलता है बाकी जो नीचे साइड फीचर्स है फंक्शन है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है और अगर आप सेटिंग में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिजिटल वेल्बिंग well तक ही देखने को मिलता है बाकी जो नीचे में सिस्टम सेटिंग अबाउट डिवाइस रियलमी लेब वगैरह है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है साथ ही अगर आप होम स्क्रीन में वन हंड्रेड मोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे में जो भी एप्स वगैरह सेट किए रहेंगे वो आपको देखने को नहीं मिलेगा कुछ इस टाइप से ब्लैंक देखने को मिलता है तो इस टाइप से वन हंड्रेड मोड में बक्स देखने को मिल जाता है प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से बेटर देखने को मिलता है पहले जो थोड़ा बहुत बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम होता था उसको यहाँ पर रिड्यूस करके बैटरी बैकअप बैटरी यूजेस को इम्प्रूव कर दिया है जिससे कि आपको बेटर बैटरी बैकअप बैटरी यूजेस देखने को मिलता है साथ ही दोस्तों जो चार्जिंग स्पीड है वो भी यहाँ पर सही देखने को मिलता है आई I मीन mean, चार्जिंग करने के टाइम आपको बेटर चार्जिंग स्पीड देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों किसी किसी यूजर को चार्जिंग स्पीड में प्रॉब्लम देखने को मिलता है आई I मीन mean किसी किसी यूजर को लेट चार्जिंग का इशू देखने को मिलता है मेरे में ये प्रॉब्लम नहीं है मेरे को प्रॉपरली चार्जिंग स्पीड जो है सही देखने को मिल जाता है साथ ही दोस्तों जो चार्जिंग के टाइम पर हीटिंग इशू देखने को मिलता था वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है एंड इस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर भी जो गेम परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है पहले जो गेम में थोड़ा सा लेगिंग इशू देखने को मिलता था बीच बीच में जीटर और फ्रेम ड्रॉप इशू देखने को मिलता था उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे गेम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया है जिससे कि आप गेम खेलते हैं गेम प्ले करते हैं तो आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है बट यहाँ पर दोस्तों अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है तो यह था दोस्तों इस अपडेट का फुल रिव्यू दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन कौन से बक्स देखने को मिलता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों